नमस्कार। तो चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है। वृषभ राशि और लगन के लिए हम बात करने वाले हैं अगस्त 2021 की। तो इस वीडियो को आप अपनी चंद्र राशि और या फिर लगन के हिसाब से, दोनों के हिसाब से ही देख सकते हैं, पर बेसिकली आपको इसको लगन के अकॉर्डिंग ज़्यादा फॉलो करना चाहिए अगर आपको अपना लगन पता हो। साथ में देखिए, चंद्रमा दो जगह आपको दिखाया गया है, तो ये गोचर के चंद्रमा है और ये राजस्थान के चंद्रमा जो परमानेंट आपकी राशि में इस प्रकार से विराजित हैं। अब सबसे पहले देखिए, इस मंथ में आपको बता दूं, मैं आपको इसमें अच्छे दिन भी बताऊंगा। इस बार आपकी रिक्वेस्ट पर अच्छे दिन भी शामिल किए हैं और बुरे दिन भी शामिल किए हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कुछ युतियों के बारे में सबसे पहले, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपके लग्नेश से। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है सूर्य, बुध और मंगल, और फिर यहाँ पर आपका पंचम में शुक्र है, ये शुक्र नीच का है। तो यहाँ जो युतियाँ बनेगी, यहाँ पर सूर्य और बुध की युति बनेगी सबसे पहले 17 से 26 अगस्त तक। तो 17 से 26 अगस्त तक का जो टाइम है आपका, उसमें सूर्य 17 अगस्त से आएगा सिंह राशि में। तो 17 से 26 अगस्त तक ये युति करेगा बुध के साथ। अब बुध आपकी कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी है और वो पंचमेश भी है, साथ में इनके साथ यहाँ पर युति होना निश्चित रूप से, और मंगल यहाँ पर साथ होना, क्योंकि मंगल का तो देखिए गोचर अभी पूरे महीने ही सिंह राशि में ही है, तो मंगल तो यहाँ रहने ही हैं। भले ही आप यहाँ से बुध को हटा दीजिए, भले ही आप यहाँ पर सूर्य को हटाइए, या फिर यहाँ से आप शुक्र को हटा दीजिए, तो सूर्य और बुध की युति और वो भी मंगल के साथ, तो आपका कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मैटर है वो उसमें काम बनेगा। लेकिन थोड़ा वाद विवाद हो सकता है, घर वालों में आपस में अनबन हो सकती है, थोड़े विवाद की स्थिति जरूर नज़र आती है। साथ में आपका जो प्रभाव रहेगा वो घर में बहुत ज़्यादा रहेगा और आप घर के कार्यों को काफ़ी अच्छे से संभाल पाएंगे। साथ में सूर्य और बुध का जो ये बुधादित्य योग बन रहा है, ये आपको जॉब में काफ़ी अच्छी हेल्प करने वाला है। देखिए, गुरु वैसे तो यहाँ पर आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी हैं और फिर ये रेट्रो स्थिति में इस महीने में रहने वाले हैं, तो रेट्रो स्थिति में है। फिलहाल रेट्रो स्थिति में होने के कारण हो सकता है थोड़ा सा जो आप जॉब में थोड़ा आप बेचैन महसूस कर रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ दिक्कत आ गई हो थोड़े समय के लिए, या फिर आपको लग रहा हो कि थोड़े समय के लिए आपके जॉब में कुछ ना कुछ एकदम ऐसे जैसे गाड़ी रुक जाती है चलते चलते, वैसे स्थिति आप फील कर रहे हो। तो यहाँ से आपको सूर्य, बुध और मंगल तीनों ही जॉब वाले स्थान को देख रहे हैं, 10th हाउस को देख रहे हैं ये, तो आपको ये एक एनर्जी दे रहे हैं। भले ही यहाँ पर गुरु हैं वो रेट्रो स्थिति में हो, पर फिर भी आपको इनकी जब तक एनर्जी मिलती रहेगी, ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर ये जो महीना है, इसमें हम कह सकते हैं जॉब में आप बदलाव कर सकते हैं, थोड़ा सा आप ऊब गए होंगे, ऐसी स्थिति बन रही है। लेकिन यहाँ पर जो अच्छा प्रभाव आपके लिए नज़र आएगा, गुरु जैसे ही यहाँ पर मार्गी होने लगेंगे, वैसे ही आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ये जो समय है, उसमें हम कह सकते हैं आप जॉब अगर चेंज करना चाहते हैं या फिर आप नई जॉब पाना चाहते हैं, तो जॉब मिलने के लिए बहुत ही बेटर अवसर है। जो जातक जॉबलेस हैं, उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी इस मंथ में आपके सामने आ सकती है। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड करें कि आपको क्या करना है, किस प्रकार से करियर में आगे बढ़ना है। साथ में देखिए, गुरु रेट्रो है, तो रेट्रो गुरु पहले के कुछ एग्ज़ाम्स मान लीजिए आपने दिए हैं जहाँ पर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था, कुछ काम अटक गया था, या मान लीजिए आपने किसी नौकरी के लिए जॉब के लिए अप्लाई कर दिया बट उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ था, तो वो एग्ज़ाम होगा। तो इस प्रकार के जो रुके हुए काम हैं वो पूरे होंगे, तो आपका कुछ पहले के कार्यों पर फोकस फिर से जाएगा। साथ में यहाँ पर गुरु हैं, तो गुरु कैसे हैं, जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। साथ में गुरु का जो नज़रिया है वो कैसा रहता है आपको पता ही है कि गुरु जब देने पे आते हैं बहुत कुछ देते हैं, और ये काफ़ी शुभ ग्रह हैं, तो गुरु से आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना। गुरु आपके लिए यहाँ पर अच्छे ही परिणाम देने वाले, गुरु किसी प्रकार के कोई बुरे परिणाम आपको नहीं देने वाले। लेकिन इनका जो स्वभाव है, सीधा सीधा स्वभाव इनका, तो ये नेकी कर और दरिया में डाल वो वाली स्थिति क्रिएट करते हैं, तो आपको ये उतना ही परिणाम देंगे, उतना ही शुभ परिणाम मिलेगा जितनी आप मेहनत करेंगे। अब यहाँ पर जो सूर्य और बुध की युति की हम बात कर रहे हैं, सूर्य देखिए यहाँ पर स्वराशि के हैं और मंगल के साथ हैं, सेनापति साथ हैं, राजा साथ है, और इसका राजकुमार भी है यहाँ पर। तो ये ऐसी स्थिति है ना कि बिल्कुल आपका पूरा फोकस घर और अपने जॉब दोनों पर रहेगा। तो इस समय में जो लोग पदोन्नति के लिए सोच रहे हैं या जो अपने घर से संबंधित कोई प्लानिंग कर रहे हैं, उनके सारे काम बनेंगे, तो निश्चित रूप से आप अपने घर के कार्यों को भी अच्छे से संभाल पाएंगे और अपने जॉब पर भी पूरा फोकस रख पाएंगे। साथ में देखिए, ये समय आपके लिए कुछ प्लानिंग करने का है,
करियर के दृष्टिकोण से देखो या फिर किसी भी दृष्टिकोण से आगे फ्यूचर में आने वाले समय में कोई ना कोई प्लानिंग आप लंबे समय की इस समय में कर सकते हैं। और इस समय आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी सामने आएगी, यानी नए द्वार फ्यूचर के लिए या आने वाले समय के लिए नए द्वार आपके करियर के रूप में खुलने वाले हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं आपके साथ घटित होंगी जहां पर आपको कुछ अच्छे अवसर मिलेंगे। अब आप उनका कितना फ़ायदा उठा पाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो सूर्य बुध की युति यहाँ पर इस प्रकार से परिणाम देगी। अब देखिए बात करते हैं मंगल और सूर्य की युति की। तो मंगल और सूर्य की युति 17 अगस्त से बनेगी। 17 अगस्त से लगभग ये पूरे महीने ही रहेगी 17 अगस्त के बाद। तो यहाँ पर देखिए सूर्य और मंगल क्या दर्शाते हैं। थोड़ा सा घर में वाद विवाद हो सकता है, थोड़ा आप अपने फैमिली पर ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। साथ में जो माता जी का व्यवहार है वो थोड़ा सा यहाँ पर आपको गुस्सेल नज़र आ सकता है। और माता जी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर हेल्थ वगैरह की कोई दिक्कत है तो वो यहाँ पर दूर हो जाएगी, लेकिन आप घर में थोड़ा विवाद से सावधान जरूर रहें। और मंगल यहाँ से, क्योंकि मंगल है वो देख रहा है अपनी ही राशि को, देख रहा है वो आपके सप्तम भाव को, सप्तम भाव को देखने की वजह से यहाँ हालांकि अपनी ही राशि को देख रहा है तो विवाद की संभावना तो कम ही नज़र आती है, पर फिर भी ये कुंडली से आप मांगलिक बन रहे हैं गोचर के हिसाब से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा वाद विवाद से सावधान आप रहें यहाँ पर। और यहाँ की केतु भी है तो केतु थोड़ा सा डिटैचमेंट का कारक हम इसको कह सकते हैं यहाँ पर, तो इस वजह से आपको थोड़ा ध्यान रखना ही पड़ेगा। साथ में मंगल की जो दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर वो 10th हाउस पर पड़ेगी, तो ये आपको एक अच्छी एनर्जी देने वाले, एक अच्छा जोश भरने वाले हैं आपके अंदर, तो ये बहुत ही अच्छा हम कह सकते हैं। साथ में मंगल की दृष्टि पड़ेगी लाभ स्थान पर, तो ये प्रॉपर्टी संबंधी मामलों के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। अगर कोई घर से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं या करने वाले फ्यूचर में, तो ये बहुत ही अच्छा समय आपके लिए जाने वाला है वृषभ राशि और लगन वालों के लिए। अब देखिए बात करेंगे मंगल और बुध की युति की। तो मंगल और बुध की जो युति बनेगी 9 अगस्त तक जो बुध हैं वो करक में रहेंगे, उसके बाद ये 9 अगस्त से इनके साथ युति करेंगे मंगल के साथ। तो मंगल बुध की युति बनेगी 9 अगस्त से 26 अगस्त तक के लिए। तो 26 अगस्त तक के लिए जो मंगल बुध की युति बनेगी, बुध है वो बुद्धि का कारक है, बुध आपको हेल्प करेगा घर के सभी कार्यों में, तो आप बहुत अच्छे से अपने घर के कार्यों को संभाल पाएंगे, परिवार के कार्यों को अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। साथ में आप अपने आप को भी और अपने जो जॉब से रिलेटेड जो भी काम है उनको भी अच्छे से यहाँ पर मेंटेन कर पाएंगे, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ये निकल के आता है कि मंगल की दृष्टि सप्तम पर पड़ रही है तो थोड़ा वाद विवाद होने की संभावना रहेगी। अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं आप, किसी प्रकार का पार्टनरशिप कर रखी है आपने, तो थोड़ा सा विवाद हो सकता है, थोड़ी अनबन हो सकती है और जीवन साथी के साथ भी इसी प्रकार की स्थिति बन सकती है। डिपेंड करेगा आपके चार्ट में इनकी स्थितियाँ कैसी हैं। अब देखिए बात करेंगे यहाँ पर हम शुक्र के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ हम स्टार्ट करेंगे आपके लिए राशि या लगन स्थान से। तो देखिए इसके जो स्वामी बनते हैं वो शुक्र बनते हैं, और शुक्र की जो स्थिति रहने वाली है 11 अगस्त तक ये सिंह राशि में रहने वाले। तो यहाँ पर जो मंगल के साथ ये रहने वाले हैं 11 अगस्त तक, और 9 अगस्त से यहाँ बुध भी आएंगे और बुध और शुक्र यहाँ रहेंगे, लेकिन क्योंकि शुक्र हैं वो बहुत जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे, 11 अगस्त को ही ये निकल जाएंगे और ये यहाँ पर सिंह यहाँ पर कन्या राशि में आ जाएंगे सिंह राशि से निकल कर शुक्र। तो बुध के साथ इनका साथ ज़्यादा नहीं रहेगा, इसलिए हम बुध और शुक्र की युति की यहाँ पर बात नहीं की है हमने। अब देखिए शुक्र का जो आपके लिए 4th हाउस में आना है वो कहीं ना कहीं आपके घर की सुख में वृद्धि करेगा, और 11 अगस्त तक इनका जो सिंह का गोचर है वो आपके घर के सुख को और ज़्यादा बढ़ाएगा। तो घर से संबंधित आप कोई ऐसी लग्जरियस चीज़, कोई ऐसी वस्तु लाने की प्लानिंग कर सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा सुख देती हो। साथ में घर के जो सदस्य हैं उनके साथ कोई आप अच्छा कोई ऐसा उत्सव मना सकते हैं, कुछ नाच गान कर सकते हैं, कोई आयोजन आप कर सकते हैं घर में, तो ये अच्छा रहेगा। साथ में शुक्र देखेगा 10th हाउस को, तो 10th हाउस को देखने से ये जॉब में भी अच्छी हेल्प करेगा और घर पर आपको अपने परिवार में आपकी वाइफ की अच्छी मदद मिल जाएगी। साथ में आप अगर ऐसी जगह जॉब करते हैं जहाँ पर आपके स्टाफ में बहुत सारी स्त्रियाँ हैं तो उनसे भी आपको जॉब में काफ़ी अच्छी मदद मिलेगी। अब शुक्र यहाँ पर हो जाएंगे नीच के, तो शुक्र नीच के हो रहे हैं 11 अगस्त से आपके प्रेम संबंधों पर ये एक तरह से हम कह सकते हैं
थोड़ी सी स्थिति अच्छी नहीं है प्रेम संबंधों के लिए। और यहाँ पर शुक्र नीच का हो रहा है, शुक्र आपकी वाइफ को रिप्रेजेंट करता है, पुरुष की कुंडली अगर आपकी है यानी आप अगर पुरुष हैं तो यहाँ पर शुक्र नीच के हो रहे हैं, यानी आपको प्यार में धोखा मिलना या फिर जीवन साथी के साथ भी थोड़ी सी आपको तकरार होने की संभावना रहेगी। साथ में शुक्र है वो आपको अच्छा हालांकि टैलेंट देते हैं पंचम भाव में, लेकिन ये शुक्र नीच का है तो यहाँ पर आप में कोई भी टैलेंट है उसको आप ठीक प्रकार से यूज़ नहीं कर पाएंगे। साथ में संतान के प्रति भी आपका बहुत सारा ऐसा नज़रिया रहेगा जिसमें आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील करेंगे अपनी संतान के साथ, बहुत ज़्यादा प्रेम करेंगे अपनी संतान को, बट आपको बदले में उतना जो है सहारा या उतना प्रेम नहीं मिल पाएगा। तो एक तरह से जो नीच का शुक्र है ये थोड़े से आपके सुख में कमी कर सकता है और आपके वैवाहिक जीवन के सुख में भी कमी कर सकता है। साथ में यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए, आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं या किसी प्रकार की ऐसे प्लानिंग कर रहे हैं तो विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि इसकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ अगर मैरिड हो तो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। साथ में जो लग्जरी चीज़ों का सुख है वो भी आपको थोड़ा कम होते हुए देखने को मिलेगा। शुक्र यहाँ से अपने उच्च की राशि को देखेंगे, उच्च की राशि को ये नीच के बैठ कर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका जो लाभ स्थान का स्वामी है गुरु वो रेट्रो स्थिति में है। अगर ये रेट्रो स्थिति में नहीं होते तो यहाँ पर थोड़े परिणाम अच्छे हो सकते थे, पर फिर भी आपके धन से संबंधित काम है तो हो सकता है आप कोई भी ऐसा आपका लाभ आपको मिलना है, कोई पैसा कहीं से आपको आना है, उसमें थोड़ी सी आपको रुकावट देखने को मिल सकती है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, यहाँ पर देखिए शुक्र है वो आपका सिक्स हाउस का भी स्वामी है। सिक्स हाउस का स्वामी होने की वजह से देखिए एजुकेशन में थोड़ी सी रुकावट को दिखाता है और यहाँ पर थोड़ी बहुत आपकी प्रेम संबंधों की वजह से कोई बदनामी होना या आपका कोई बहुत लंबे समय से चला रहा प्रेम संबंध टूटना, ऐसी स्थिति को ये दिखाता है। साथ में आप अगर अपने कार्यस्थल पर किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं तो विशेष सावधानी बरतें और जो भी आपके आपके साथ जो स्टाफ है, स्त्रियों का जो स्टाफ है, लेडीज स्टाफ, उससे विशेष सावधान आप रहें। अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, बुध के बारे में बात करेंगे। बुध सेकंड हाउस के स्वामी हैं और 9 अगस्त तक करक में रहेंगे ये। 9 अगस्त तक करक में रहने से आप खुद बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, कम्युनिकेशन के फील्ड में है अगर आप हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए यहाँ का बुध। और साथ में अगर आप राइटर हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं या इंटरनेट के माध्यम से कोई काम करते हैं, आप कम्युनिकेट करते किसी भी प्रकार से लोगों को, तो काफ़ी अच्छा रहेगा, आप अपने टैलेंट को बेहतर तरीके से यूज कर पाएंगे। और बुध का सिंह राशि के गोचर की तो हम चर्चा कर ही चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद देखिए 26 अगस्त से बुध चला जाएगा कन्या में, तो 26 अगस्त के बाद इसकी जो स्थिति है वो आपके लिए बहुत ही बेटर हो जाएगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको बुद्धि का अच्छे से इस्तेमाल करवाएगा। पंचम में जाने के बाद आपकी जो मेमोरी है और आपकी जो कैलकुलेशन पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और बुध का कन्या राशि में जाने के बाद जो विशेषकर कोई भी फाइनेंशियल सेक्टर में काम कर रहे हैं, कोई भी बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हो अगर आप, या फिर एक स्टूडेंट हो, तो आपके लिए बहुत ही बेटर समय आने वाला है। अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए चंद्रमा शुरुआत में हमने दर्शाया, यहाँ पर शुरुआत में इस महीने के स्टार्टिंग में चंद्रमा 12वें भाव में रहने वाले, तो थोड़ा सा शुरुआत में आपको थोड़ा डर रह सकता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस में भी कमी देखने को मिलेगी। साथ में कोई ऐसी दुर्घटना आपके साथ ना हो, कोई ऐसा आपका कोई काम ना हो जहाँ पर आपको पैसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाए, तो ये सब आपको देखना चाहिए। साथ में कोई भी फैसला शुरुआती एक दो दिन में इस महीने में बिल्कुल भी ना करें तो ये अच्छा रहेगा। इसके बाद देखिए बात करते हैं यहाँ पर अब सूर्य के बारे में। सूर्य का गोचर देखिए 17 अगस्त तक करक में रहेगा। 17 अगस्त तक करक में रहते हुए ये आपके 9th हाउस को भी देखेंगे, शनि और सूर्य आमने सामने रहेंगे तो थोड़ा सा फादर के साथ संबंधों में थोड़ी दिक्कत आ सकती है और शनि यहाँ पर रेट्रो स्थिति में है तो कहीं ना कहीं एजुकेशन से संबंधित आपके कार्य रुक सकते हैं और भाग्य का भी पूरा साथ आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ सूर्य के कर्क राशि में होते हुए आप घर के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। सूर्य आपको मैनेजमेंट की अच्छी स्किल देगा अगर मैनेजमेंट के सेक्टर में हैं आप, और सूर्य आपकी बॉडी को भी अच्छी पावर यहाँ से देने वाला है। थर्ड हाउस का सूर्य आपको काफ़ी ज़्यादा एक तरह से मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा।
तो ये अच्छा है। उसके बाद देखिए, हम बात कर चुके हैं सिंह राशि के सूर्य के बारे में ऑलरेडी, तो यहाँ पर हम फिर से चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर रिपीट नहीं करना चाहते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, और लगभग हमने बुध और यहाँ पर शुक्र के बारे में बात कर ली है। अब बारी आती है मंगल की, तो मंगल की ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं। वैसे मंगल का देखिए गोचर है आपके फोर्थ हाउस में, और मंगल आपके लिए 12वें भाव का स्वामी, मूल त्रिकोण राशि इनके आपके 12वें भाव में आती है, तो ये ट्रेवल का चांस बन सकता है कोई ना कोई आपके लिए। अगर आपका संबंध बाहर से है, फॉरेन से आपका संबंध है, तो हो सकता है आपको इस समय फॉरेन से बहुत सारा फायदा मिले, और घर के लिए थोड़ा खर्चा हो सकता है आपका। घर अगर आप खरीद रहे हैं या कोई घर के लिए कोई प्लानिंग कर रहे हैं, जमीन जायदाद का कोई काम है, तो उसके लिए इस समय में आपका खर्चा हो सकता है। साथ में देखिए सप्तमेश है मंगल, और सप्तमेश होके 11 फोर्थ में, तो घर का जो कार्य है वो कई बार ऐसी भी स्थिति बनेगी कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो संभाले, और कई बार आपके और उनके बीच में तकरार भी होने की संभावना रहेगी। अब मंगल है तो फोर्थ हाउस का मंगल प्रॉपर्टी का लाभ आपको जरूर देगा, और हो सकता है आपको जीवन साथी की मदद से वो प्रॉपर्टी का काम आपका बन सकता है, लेकिन क्योंकि लड़ाई झगड़ा भी ये करवा देता है तो उससे आपको सावधान रहना ही चाहिए। साथ में अगर आपका पार्टनरशिप का कोई बिजनेस है, कोई ऐसा काम है, तो उसमें थोड़ी सावधानी ज़रूर बरतें। तो ये हुई यहाँ पर मंगल की बात, और मंगल जो 10th हाउस को देख रहे हैं यहाँ पर हमने लगभग इनकी चर्चा कर ली है, तो अब किसी प्रकार की यहाँ पर हम दोबारा चर्चा नहीं करने वाले। अब बात करेंगे यहाँ पर सीधा गुरु के बारे में। देखिए गुरु का जो गोचर है, गुरु रेट्रो है, वैसे आपको पता ही है ऑलरेडी गुरु का, और गुरु कुंभ राशि में गोचर करते रहेंगे इस महीने में, और ये अष्टमेश हैं। अष्टमेश यानी मूल त्रिकोण राशि इनके अष्टम में आती है, इस वजह से थोड़ा सा जॉब में निराशापन थोड़ी देखने को मिल सकती है। जॉब में कोई चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए है। जैसे कि मैंने बोला, जैसे कि हमने सूर्य और बुध की युति के बारे में बात की, तब हमने शुरुआत में ये चीज़ डिस्कस करी कि आपको जॉब चेंज करना यानी यहाँ पर परिवर्तन होंगे, कुछ ना कुछ परिवर्तन आएंगे आपके करियर में, तो वो सब आपको देखना चाहिए। साथ में कुछ कार्य आपके अटक जरूर सकते हैं, कहीं से आपको कोई लाभ मिलना है, सरकारी सहायता मिलनी है, उसमें थोड़ी रुकावट आ सकती है, लेकिन गुरु आपको यहाँ पर बहुत अच्छी मदद करने वाले हैं। आपको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और गुरु जो है वो लाभ स्थान के स्वामी, इस वजह से गुरु जैसे ही मार्गी होंगे तो हो सकता है आपकी जॉब लग सकती है या आपको प्रमोशन वगैरह मिल सकता है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं देखिए शनि के बारे में। शनि जो कि आपके 9th हाउस के स्वामी हैं, और ये 10th के भी स्वामी हैं, और ये खुद भी रेट्रो है। इस स्थिति में थोड़ा सा जो जॉब को लेकर आपको चिंता रहेगी वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर बहुत जल्दी आपको जॉब चेंज करना है तो बहुत जल्दी सब कुछ नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे सब कुछ होगा, और धीरे धीरे वो समय आएगा जब आपको बहुत ही बेटर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो अभी तो गुरु है, गुरु आपको काफ़ी अच्छी मदद करने वाला है, और अभी नवंबर से ये आ भी जाएंगे 10th हाउस में, तो ये काफ़ी बेटर परिणाम आपको देने वाले हैं। लेकिन आप वो सोचिए, जब शनि आएंगे कुंभ राशि में, तो कुंभ राशि में आने के बाद आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और क्योंकि शनि कर्म प्रधान है, तो अभी तो आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उससे डबल आपसे ज़्यादा मेहनत करवाएगा शनि। तो अभी आप ये मान लीजिए आप सही काम कर रहे हैं, और जितना आप मेहनत कर रहे हैं उससे ज़्यादा ही कमा रहे होंगे, तो अभी आपको बिल्कुल भी इस गोचर में डरना नहीं है। और शनि यहाँ से रेट्रो होकर लाभ स्थान को देख रहे हैं, और जो लाभ स्थान का स्वामी वो खुद रेट्रो है, ऐसी स्थिति में थोड़े से लाभ से संबंधित कार्य, धन से संबंधित कार्य रुक सकते हैं। अगर कोई आप मार्केटिंग करते हैं किसी चीज़ की, या कोई ऐसा काम करते हैं मार्केटिंग से रिलेटेड, तो उसमें भी थोड़ी रुकावट देखने को मिल सकती है। आपके स्पेशली जो दोस्त हैं, जो आपका सोशल सर्किल है, उससे संबंधित जो भी आपके लोग हैं, जो विशेष खास दोस्त हैं आपके, उनकी तरफ से थोड़ी सी आपको उदासीनता देखने को मिल सकती है। तो लाभ आपको अवश्य मिलना है, जो भी पैसा आपका कहीं अटका हुआ वो आपको मिलना ही है, पर थोड़ी देरी हो सकती है, तो जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। अब देखिए यहाँ पर हमने ऑलरेडी यहाँ सभी ग्रहों के बारे में चर्चा कर ली है, और अब हम देखिए राहु केतु के बारे में, तो पहले बहुत ही ज़्यादा चर्चा हम कर चुके हैं सभी जगह, तो बार बार रिपीट नहीं करेंगे। देखिए लग्न का राहु है, राशि स्थान का राहु है, तो अगर आपकी राशि है तो मन को बहुत ज़्यादा भ्रमित करके रखेगा। वैसे
ये शुक्र की राशि का राहु है। अगर आपका शुक्र काफ़ी अच्छा है तो यहाँ पर राहु आपको बहुत बेटर परिणाम देने वाला है, आपकी प्रसिद्धि में वृद्धि करेगा, लेकिन थोड़ा सा मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करेगा। यहाँ पर केतु भी है तो मैरिड लाइफ से सावधान जरूर रहें। जीवन साथी की आप में रुचि या आपकी जीवन साथी में रुचि थोड़ी सी कम होते हुए देखने को मिल सकती है, तो इस प्रकार की स्थितियां बनेंगी। बाकी आप राहु केतु के बारे में बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी देख चुके हैं, तो यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा चर्चा करके वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करने वाले। अब देखिए कुछ अच्छे दिनों की और कुछ बुरे दिनों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपके लिए अच्छे दिन, जो आपने कमेंट किया था, काफ़ी बार आप रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि अच्छे दिन आपको बताए जाएँ, तो देखिए अच्छे दिन जो अगस्त में आपके लिए रहने वाले हैं, 2 और 3 अगस्त, इसके अलावा 22, 23, 29 और 30 अगस्त। अब इन दिनों में आप क्या क्या काम कर सकते हैं, देखिए कोई भी निर्णय लेना हो वो ले सकते हैं, कोई भी फाइनेंस या धन से रिलेटेड काम हो, फैमिली से रिलेटेड काम हो, भाग्य भी इन दिनों में आपका अच्छा साथ देगा, तो ये आपको बहुत अच्छा सुकून देंगे। इन दिनों में आपको बहुत अच्छा सुख मिलेगा, सुकून मिलेगा, धन मिलेगा, सब कुछ मिलने वाला है। तो हमने इस प्रकार से सेलेक्ट किए हैं कि आपके जो लग्नेश है या फिर आपका चंद्रमा है उसके हिसाब से जो स्थितियां बन रही हैं कुंडली में, अच्छी स्थितियां, सबसे अच्छी स्थितियां इन इन दिनों को बनेंगी, तो उसके हिसाब से आप अपना शेड्यूल डिसाइड कर सकते हैं। तो ये रहे आपके लिए, यहाँ पर कुल 6 दिन हैं, ये इस मंथ में 6 दिन काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। अब कुछ बुरे दिन, वैसे बहुत ज़्यादा बुरे तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। अब बुरे दिनों की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई भी काम इन दिनों में नहीं बनेगा, पर थोड़ी परेशानियाँ आ सकती हैं। हम कहें तो देखिए, जब चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे लिब्रा में, यानी आपके 6th हाउस में, तो 13 और 14 को किसी के साथ वाद विवाद हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी वगैरह का कोई मामला है या कोई ऐसा मामला है तो उसमें आपको पराजित होना पड़ सकता है, तो ये आप सावधानी बरतें। 13 और 14 को किसी बीमारी की वजह से भी आप परेशान रहने वाले हैं। इसके बाद में देखिए, जो 13 और 14 तारीख है, इनको आपका रूटीन भी ख़राब रहेगा, और हालांकि फ़ौरन से आपको ज़रूर लाभ मिल सकता है। जब चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे धनु राशि में, तो 18-19 को यहाँ पर आपका ज्योतिष में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहेगा, और वैसे भी क्योंकि जो यहाँ पर हम कह सकते हैं चंद्रमा है, वो आपके लिए, चंद्रमा जब अष्टम में आएंगे तो निश्चित रूप से थोड़ा बर्डन देंगे, लेकिन आपको गहन रुचि देंगे वो किसी भी विषय का विस्तार से अध्ययन करने के लिए, गहन अध्ययन करने के लिए, तो इसका आपको फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। इसके बाद देखिए, चंद्रमा का जो ट्रांजिट रहेगा, मेष राशि का ट्रांजिट इनके लिए, वो 1, 26, 27 और 28 को रहेगा, तो ये जो दिन है, ये 4 दिन है, इन 4 दिनों में कोई भी बड़ा निर्णय ना लें, कोई फ्यूचर के लिए प्लानिंग कोई बहुत बड़ी ना करें, शॉर्ट टर्म के लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं। साथ में इन दिनों में सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब रह सकती है, थोड़ा सा कोई खर्चा, कोई बहुत बड़ा जो है उसका चांस बन सकता है। बाकी अगर फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन से जुड़ा हुआ काम है, तो अच्छा लाभ मिल सकता है। अब देखिए, आप रिक्वेस्ट करते बहुत बार, स्टूडेंट्स के लिए हम देख लेते हैं, देखिए स्टूडेंट्स के लिए ये समय कैसा रहेगा। तो स्टूडेंट्स के लिए जैसा कि मैंने बोला, बुध आएंगे कन्या राशि में, तो बुध कन्या राशि में आएंगे और बुध का 26 अगस्त से कन्या राशि में प्रवेश होगा, बट यहाँ अभी भी बुध हैं वो सूर्य के साथ रहने वाले, यानी कर्क से जैसे ही ये आगे बढ़ जाएंगे, 9 अगस्त के बाद का जो टाइम है वो स्टूडेंट्स के लिए विशेष अच्छा है। अब लेकिन जो स्टूडेंट हैं वो कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी वाले हैं जो उनमें स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा काम में रुकावट ज़रूर आ सकती है, उनके काम रुक सकते हैं, क्योंकि शनि रेट्रो है और 9th हाउस में ये रेट्रो होने की वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत आपको आ सकती है। तो बस यही था आप लोगों के लिए अगस्त 2021 का प्रेडिक्शन। फ़िलहाल वीडियो में इतना ही।